राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 29 सदस्यीय प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया, जिसका नेतृत्व गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे। साथ ही इसमें राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों शामिल हैं। लेकिन इस समिति के 29 सदस्यों में से 90% सदस्य गहलोत गुट के हैं, जिसको लेकर फिर से राजनीति के गलियारों में चर्चा होने लगी है। राजनीतिक जानकारों की माने तो कांग्रेस हाईकमान ने एक बार फिर सचिन पायलट के बजाय अशोक गहलोत गुट को तवज्जो दी है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बनाई गई प्रदेश चुनाव समिति में गहलोत के सबसे नजदीकी नेता गोविंद सिंह डोटासरा को चेयरमैन बनाया गया है। साथ ही पायलट गुट के सिर्फ 3 सदस्यों को इस समिति में शामिल किया गया है, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने एक बार फिर गहलोत को तवज्जो देकर पायलट को हाशिए पर धकेल दिया है। बता दें कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट के बीच बीते 3 साल से तलवारें खींची हुई थी। पायलट ने 3-4 बार गहलोत को चुनौती देते हुए तल्ख तेवर दिखाए थे। गहलोत को खुली चुनौती देते हुए पायलट ने 3 बार बगावती तेवर दिखाए, जबकि कांग्रेस आला कमान ने हर बार अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह कराई। पायलट को बार बार आश्वासन देकर राजी किया। जब जब सचिन पायलट ने तल्ख तेवर दिखाए, तब तब कांग्रेस आला कमान ने पायलट को जैसे तैसे मना लिया। बताया जा रहा है कि पायलट को विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी देने का भरोसा दिया गया था। उन्हें चुनाव समिति का चेयरमैन बनाए जाने की चर्चाएं थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। चुनाव समिति की कमान गहलोत के खासम खास नेता डोटासरा को दे दी गई। कांग्रेस हाई कमान की ओर से बनाई गई प्रदेश चुनाव समिति में सचिन पायलट गुट के सिर्फ 4 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिनमें एक स्वयं सचिन पायलट हैं। पायलट के अतिरिक्त मुरारी लाल मीणा, जितेंद्र सिंह और रघुवीर मीणा ही पायलट गुट के हैं। वहीं गहलोत गुट की बात करें तो चेयरमैन डोटासरा सहित खुद गहलोत और 23 अन्य सदस्य शामिल हैं। पायलट को डोटासरा के अधीन समिति का सदस्य बनाया गया है। कुछ दिनों पहले ऐसी भी खबरें आई थीं कि पायलट को फिर से प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसी खबरों पर भी अब पानी फिर गया है। जब उन्हें चुनाव समिति की जिम्मेदारी भी नहीं दी तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने की उम्मीद करना बेकार है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या सचिन पायलट को कांग्रेस की तरफ से फिर से निराशा हाथ लगेगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।